हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील श्रीवास्तव, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं और एक नए प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहां पर आज हूं। तो अभी हम विश्व बंगला गेट के सामने में खड़े हैं। ये देखिए, ये विश्व बंगला गेट है। जिस प्रॉपर्टी में हम जाएंगे उस प्रॉपर्टी का यहाँ से अगर डिस्टेंस पूछे तो लगभग 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है विश्व बंगला गेट से उस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में जाने से पहले, उस लोकेशन में जाने से पहले, हम आप लोगों को न्यू टाउन का जो इम्पोर्टेंस जो जगह है वहां से हम आपको बताएंगे उस प्रॉपर्टी का कितना किलोमीटर का डिस्टेंस वहां से है। तो चलिए हम चलते हैं, आपको एक एक कर वहां का लोकेशन आप लोगों को बताते हैं कि उस प्रॉपर्टी से, उस जगह से जो नया प्रॉपर्टी जो बन रहा है उसका क्या डिस्टेंस होगा। चलिए चलते हैं। ये विश्व बंगला गेट क्रॉस हुआ, ये हिडको भवन, मेट्रो को ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं इसलिए मेट्रो के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं रह गया है। अगर आप मेट्रो के बारे में जानना चाहते हैं, इंडोन के मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंचा है, उसका वर्क प्रोग्रेस क्या है, तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर मैं पिछले वीडियो का सर्च करके देख सकते हैं। दो वीडियो बनाया है टोटल मेट्रो के ऊपर में मैंने। यहाँ से 2.7 किलोमीटर पड़ रहा है अगर हम उस प्रॉपर्टी की बात करें तो, ये कलाक्षेत्र मेट्रो स्टेशन से। और अगर हम बात करें आपको यहाँ से अगर प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने बताया 2.7 मतलब 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब विश्व बंगला गेट और ये कलाक्षेत्र मेट्रो स्टेशन, दो मेट्रो स्टेशन ही आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन तुलनामूलक ये कलाक्षेत्र मेट्रो स्टेशन उस प्रॉपर्टी से नजदीक पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम इको पार्क गेट नंबर 1 में आ गए हैं और ये एक रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी बन रहा है। और इको पार्क गेट नंबर 1 में हम आ गए हैं। यहाँ से उस प्रॉपर्टी जो बन रहा है वो लगभग 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आइए इको पार्क गेट नंबर 1, ये देखिए इको पार्क गेट नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से उस प्रॉपर्टी का लोकेशन 2.5 किलोमीटर का है। वो प्रॉपर्टी बहुत ही बड़े डेवलपर का प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छे लोकेशन पर हो रहा है। तो मैंने सोचा इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से अच्छा सा वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों का अच्छा सा नॉलेज हो पाए। पर गेट नंबर 2 आप देख रहे हैं और इसके अपोजिट साइड में मदर वैक्स म्यूजियम था और यहाँ पर सामने में एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है और यहाँ से भी लगभग
3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी का यहाँ से, तो सोच सकते हैं कि अगर उस जगह पर अगर आपका प्रॉपर्टी होता है तो कितने प्रीमियम लोकेशन में वो प्रॉपर्टी बनेगा। पैचा मोड़ है और यहाँ से भी उस प्रॉपर्टी का लोकेशन 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस में पड़ेगा। और पैचा मोड़ आप जानते ही हैं कि ये कितना हम लोगों के लिए शुभ होता है, तो ये पैचा मोड़ स्टॉपेज बोलते हैं। और ये विश्व बंगला सरणी रोड जा रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है विश्व बंगला सरणी। ये मिस्टी हब है, ये इको पार्क के पास में मिस्टी हब है। यहाँ पर बड़े बड़े जो स्वीट्स के ब्रांड है सबका उनका एक ही जगह आप एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पर उनका स्टोर खुला हुआ है। ये यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक पदक्षेप है, एक स्टेप है, उन्होंने ये लिया है कि एक ही प्लेटफॉर्म में हर ब्रांड का जो मिस्टी होगा यहाँ पर मिलेगा। और ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल मिस्टी के लिए फेमस है, मैंने स्वीट्स के लिए फेमस है, तो जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड है, सबका आउटलेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सबका स्टोर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर में मैंने एक ब्लॉग बना कर रखा है, वो है मेरा ब्लॉग चैनल पर कोलकाता सुनोरी ब्लॉग्स में, आप जाकर देख सकते हैं। इस मिस्टी हब के ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर एक वीडियो बना कर रखा है। ये NKDA का हेल्थ सेंटर बना है यहाँ पर, क्योंकि न्यूटाउन में अभी गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपना नहीं ही है। ऐसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वो सब एक से एक हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वो प्राइवेट का है। तो गवर्नमेंट का जो जनरल हॉस्पिटल जो होता है अभी उतना नहीं है न्यूटाउन में, तो अभी प्राइमरी लेवल पर NKDA ने हेल्थ चेकअप के नाम पर बहुत सारे हेल्थ सेंटर खोल कर रखे हैं न्यू टाउन में। एक आपको मैंने यहाँ पर दिखाया और एक विश्व बंगला गेट के पास में है। और ये देखिए बात करते करते हम लोग यहाँ पर आ गए 7 वंडर के पास में आ गए। ये ताजमहल दिखाई पड़ रहा है इको पार्क में जो बना हुआ है, हम लोग आउटसाइड से देख रहे हैं। ये नोआपाड़ा हुआ, यह नोआपाड़ा का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से प्रॉपर्टी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगा। अगर उस प्रॉपर्टी में अगर आप अपना फ्लैट लेते हैं तो इस लोकेशन से और ये सिलिकॉन वैली है। ये वेस्ट बंगाल सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े IT रिलेटेड कंपनियां और बड़े बड़े कंपनियों का यहाँ पर प्लॉट दिया गया है। आने वाले समय में ये वेस्ट बंगाल का किस्मत को बदल सकता है, इसमें इतनी पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, अब हम आकांक्षा मोड़ चले आए हैं और आकांक्षा मोड़ के सामने में आपको एक ये दिखाई पड़ेगा मेट्रो स्टेशन। ये आकांक्षा मोड़ है, आकांक्षा मोड़ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में वो सोसाइटी है और उसको सिटी सेंटर 2 भी बोल से भी वहां से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही पड़ेगा।
फ्रेंड्स ये हम कॉफी हाउस आ गए हैं, ये देखिए कॉफी हाउस। आप ये अब समझ सकते हैं कि जहां पर कॉफी हाउस हो न्यू टाउन में और ये जगह अपने आप में कितना प्रीमियम बन जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपका फ्लैट यहाँ पर अगर लेते हैं तो आने वाले समय में उसका क्या वैल्यू होगा ये आप समझ सकते हैं। साथ ही अमिटी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है ठीक कॉफी हाउस के अपोजिट साइड में। यहाँ से वो प्रॉपर्टी मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में, विद इन 1 किलोमीटर। सामने में जो दिखाई पड़ रहा है व्हाइट और ब्लू में, ये आलिया यूनिवर्सिटी है। फ्रेंड इन सब चीजों को इतना दिखाने के पीछे में कारण यही है, एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और या फिर लेने के लिए सोच रहे हैं तो इन सब लोकेशनों में अगर प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो आज जिस दाम में भी खरीदते हैं आने वाले समय में उसका अच्छा खासा एप्रिसिएशन होगा। और हुआ भी है, होता भी है, मेरे बहुत से क्लाइंट इसके बेनिफिट उठाए हैं। उन्होंने इनिशियल स्टेज पर बुक किया और उनको जब तक डिलीवरी होने जा रहा था तब तक उनको इतना प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन हुआ कि उनको यकीन नहीं होता है। कारण जब आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ वो बढ़ता है, जैसे एक बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह से कि इन्वेस्टमेंट भी जो हम लोग करते हैं वो पैसा धीरे धीरे का बढ़ता है। और पैसा बढ़ाने का तो बहुत सा तरीका है, आप बैंक में पैसा रख सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। देखिए इन सबों में अगर सबसे सेफ बोला जाए कि सबसे सेफ क्या है और सबसे कम समय में क्या है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट होता है, चाहे आप लैंड लें चाहे आप फ्लैट लें। तो कोलकाता ऐसा महानगर में लैंड मिल पाना ले पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि लैंड को लेकर बहुत कुछ समझना होता है। और लेकिन फ्लैट में क्या होता है, आज के डेट में अगर आपका प्रॉपर्टी आज के डेट में रेरा नंबर हो या पहले का हीरा नंबर हो और बैंक अप्रूवल हो तो जनरली सब कुछ समझ आता है कि हाँ इसके ऑल पेपर क्लियरेंस है, तब जाकर बैंक लोन अप्रूवल हुआ है और तब जाकर प्रॉपर्टी को हीरा या रेरा नंबर मिला है। लेकिन लैंड में ये चीज नहीं हो पाता है। लैंड में आप अगर किसी कंपनी के अंडर में लैंड लेते हैं तो कुछ ठीक भी रहता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल से लैंड लेते हैं तो ये आपके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्वयं की होती है, उस लैंड के बारे में अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें, अच्छी तरह से पता करें। और फ्लैट में हम लोग इसलिए ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कुछ सेफ है। और जैसे कि शेयर मार्केट में अगर पैसा डालते हैं तो हो सकता है 10 का 100 हो जाए और ये भी हो सकता है कि 10 का 1 हो जाए। गोल्ड में भी अप्रिसिएशन होता है, ऐसा नहीं है गोल्ड में नहीं होता है, लेकिन गोल्ड एक एज ए इंजन मेंटेलिटी, अगर गोल्ड हम खरीदते हैं ज्वेलरी वगैरह तो हम लोग उसको सेल नहीं करते हैं, उसको रख लेते हैं। हाँ अगर बिस्किट्स खरीदते हैं, कॉइन खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो इतना अप्रिसिएशन नहीं देता जितना रियल एस्टेट दे देता है। उस तरह से अगर हम और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं, जड़ियां हैं, अगर हम देते हैं आपको तो एक मोड है बैंक का FD कर लेना। तो FD का इंटरेस्ट रेट अभी आज के समय में 6.5 या समथिंग कुछ चल रहा है और बैंक आपको पोस्ट ऑफिस में 10 साल में डबल हो रहा है 7.5 महीने भी सुन रहा कि ये किसान विकास पत्र में 10% ये 10 साल में डबल हो रहा है। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको 5 साल तो लगता ही नहीं है, 4 साल ये लगभग में आपका पैसा डबल हो सकता है या फिर डबल के नजदीक जा सकता है।
अगर सही प्रॉपर्टी आपने सिलेक्शन किया है, सही लोकेशन में किया है और आपका फ्लैट का जो लोकेशन है, फेज है, वो सही है, तो आपको मन मुताबिक दाम मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जिस प्रॉपर्टी के लोकेशन के बारे में बात कर रहा था, ये वही प्रॉपर्टी का लोकेशन है। और अभी चूँकि सॉफ्ट लॉन्च है, हार्ड लॉन्च ही नहीं है, तो मैं उसका नाम अभी नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर फिलहाल 7500 का रेट चल रहा है। यहाँ पर 2 या 3 फेज में काम होगा। अभी पहला फेज में 5 ही टावर लॉन्च हुए हैं G+12 के। बेस सेट अभी 7500 रुपये कहा गया है। ये बहुत बड़ा एक लैंड है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 फेज में काम होगा कि 3 फेज में काम होगा, अभी फाइनल पता किसी को भी नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं रेडा के ऑफिस में। बहुत जल्दी ही यहाँ पर एरिया नंबर मिलते ही काम तेज गति से शुरू होगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं मिट्टी भरने का काम चालू हो चुका है, मिट्टी का भराई हो रहा है। देखिए अभी आप आते हैं इस सिचुएशन में, तो जहां पर आप चाहेंगे वहां पर आपको फ्लैट मिल सकता है। जिस फेस चाहेंगे, जो भी साउथ ईस्ट जो भी आपको है, तो आप देख सकते हैं। ये न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में ये प्रोजेक्ट है। अभी सॉफ्ट लॉन्च होने की वजह से ये लोकेशन या प्रॉपर्टी का नाम हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप आते हैं तो ऑफिस में जाने के बाद आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि कौन सा डेवलपर है, किस लोकेशन में है। और जो रेट मैंने जो बताया है 7500, उसमें कुछ नेगोशिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब ऑफिस में बैठ कर ही बात हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। हर जगह मैंने उस चीज़ को घुमा कर आपको न्यूटन में बताने की कोशिश किया कि हाँ कि इस प्रॉपर्टी का क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ ऑल बैंक अप्रूवल दिया हुआ है, तो लोन पर कोई चिंता हेडेक नहीं है और बहुत जल्दी ही यहाँ पर रेरा नंबर मिल जाएगा, तो काम बहुत तेज गति से चालू हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट फेज का काम चालू है और अभी 5 ही टावर लॉन्च हुए हैं। ये अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहता है कि हाँ मुझे इन्वेस्ट कर 3 या 4 साल में या मैक्सिमम 5 साल में हमको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा ले लेना है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसको डबल करके हमको लेना है। या ये लोग भी देख सकते हैं जिन्होंने बहुत दिन से वेट कर रखा है कि सॉफ्ट लॉन्च होगा तो हम लेंगे और हम अपने मन मुताबिक फ्लैट लेंगे, क्योंकि बहुत लोग साउथ ईस्ट का साउथ वेस्ट टाइप के फ्लैट खोजते हैं। तो अभी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि उनका अपना कुछ मन के मुताबिक हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा है, तो अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। अगर आपका या आपके फैमिली फ्रेंड में किसी का भी रिक्वायरमेंट मैच करता हो, उसको शेयर कर दीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल का तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ जो आपके रिक्वायरमेंट को से मैच करता है।
तो अगर बेल आइकन प्रेस किया रहेंगे तो आपको मेरा वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ बेल वाले आइकन वीडियो प्रेस कर दीजिए। इन्हीं सब बातों से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई गलती सही हो गया हो तो अपना भाई अपना बेटा समझकर माफ़ कर दीजिएगा।